गुड मॉर्निंग एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? गुड आई एम ऑल्सो फाइन, थैंक यू. थैंक यू एवरीवन. इन अवर लास्ट क्लास वी जस्ट कंप्लीटेड द चैप्टर नंबर 2 ऑफ आवर मैथ्स नोटबुक. मैथ्स का जो चैप्टर नंबर 2 था वो पूरी तरह कंप्लीट हो गया था ना पिछले क्लास में. क्यों? यस सर. तो बेटा नया चैप्टर जो शुरू होना है आपका, जो नया चैप्टर जो शुरू होना है चैप्टर नंबर 3. राइट नाउ आई डोंट हैविंग द स्कैन कॉपी ऑफ योर बुक इनटू दिस सिस्टम. तो व्हाट आई विल डू, आई विल गो थ्रू, ऑलरेडी आई हैव टेकन द बुक ऑफ योर क्लास. और इस बुक में आपको आप सभी के पास भी तो किताबें होंगी. डू यू हैव बुक्स और नॉट? हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव? सभी बच्चे अपने बुक्स दिखाएं. शो मी योर बुक्स एवरीबॉडी प्लीज. शो मी, एवरीबॉडी हैव टू शो देयर बुक. ऐसे ऐसे बुक्स दिखाइए मैथमेटिक्स के सभी लोग को. ओके, एवरीबॉडी हैव टू सिट विद देयर बुक ओनली. बेटा आप अपनी बुक लेकर के बैठे. चलो ठीक है, एवरीबॉडी आर हैविंग द बुक. सो व्हाट आई विल डू बेटा, इफ वी ओपन द पेज नंबर 26, तो 26 पेज नंबर पे जो चैप्टर नंबर 3 है वो रोमन न्यूमेरल्स करके शुरू होता है. पता है. चलो ठीक है, अच्छी बात है, पता है. रोमन न्यूमेरल. तो रोमन न्यूमेरल आप लोग को चैप्टर नंबर 3 में क्या पढ़ना है? रोमन न्यूमेरल. गुड मॉर्निंग. कितनी बार गुड मॉर्निंग? आई एम फाइन सर, व्हाट अबाउट यू? सर गुड मॉर्निंग, आई एम फाइन, व्हाट अबाउट यू? सो बेटा रोमन न्यूमेरल्स में हम लोग बात कर रहे थे कि रोमन न्यूमेरल्स हमें चैप्टर नंबर 3 में पढ़ना है. तो रोमन न्यूमेरल्स आपको अगर कोई नंबर लिखने yes, sir. एक है, मैंने ये लिखा 42. इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, इसको मैं लिखने के लिए 40+2 भी लिख सकता हूँ. इसको लिखने के लिए एक और तरीका है, 4 tens + 2 ones. यानी एक देखो, एक ये तरीका है, एक ऐसे भी 42 लिख सकते हैं और एक ऐसे भी लिख सकते हैं. देर इज फोर अनदर वे ऑलरेडी वी हैव टॉट यू ऑल दैट की हाउ टू राइट एनी नंबर. किसी भी नंबर को किस तरीके से लिख सकते हैं आप? कोई ऐसे भी लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं और इस तरह भी लिख सकते हैं. ये चारों तरीका आप लोगों को बताया जा चुका है, है ना? आप लोगों को पता है कि नहीं? सब बताया जा. अब ये इस तरीके से अगर कोई लिखता है तो उसको बोला जाता है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है. स्टैंडर्ड फॉर्म या शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं. इस तरीके से अगर लिखा गया है तो उसको बोला जाता है एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा है. किस फॉर्म में? एक्सपेंडेड फॉर्म. इस तरीके से अगर लिखा गया है तो आप इसको बोलते हैं नंबर नेम लिखा गया है, यानी वर्ड फॉर्म में लिखा है, वर्ड फॉर्म. और इस तरह से भी एक्सपेंडेड फॉर्म ये भी है, लेकिन एक्सपेंडेड फॉर्म इन नंबर है, ये एक्सपेंडेड फॉर्म इन वर्ड्स है. ये दोनों एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा है, बट ये वर्ड्स में है, ये नंबर में है. इसके अलावा भी 42 एक और लिखने की विधा है, एक और तरीका है. आप किसी भी नंबर को रोमन न्यूमरल वाले फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं. आप 42 को अगर हम रोमन न्यूमरल में लिखें तो कैसे लिखेंगे? क्या कोई बता सकता है? सोच करिए. आपको फर्स्ट और सेकंड क्लास में पढ़ाया गया होगा. ये 12 है, ये गलत है. ये 12 है, इस तरह 12 लिखा जाता है. X L I I. ठीक है.
एल में से एक्स माइनस किया गया आई आई, दिस इज 42। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बहुत ही अच्छे बेटा। तो अभी रोमन न्यूमरल्स में कैसे लिखा जाता है, बाकी बच्चे नहीं बता पाए तो वो लोग भी सीख जाएं आज इस क्लास में, मैं यही कोशिश करूंगा। तो जिसको आता है थोड़ा बहुत, बहुत अच्छी बात है, वो ध्यान से सुनेंगे, जिसको नहीं आता है वो बिल्कुल भी ध्यान से सुनेंगे, बीच में टोका टाकी नहीं करना है। सबसे पहले मैं आपको सारे रूल समझा दे रहा हूँ। सबसे पहले आपसे पूछा जा सकता है रोमन न्यूमरल किस तरह लिखा जाता है, अंक में लिखा जाता है या लेटर से लिखा जाता है, कैसे? तो रोमन न्यूमरल्स सबसे पहला रूल है कि इंग्लिश अल्फाबेट कैपिटल लेटर, ध्यान दीजिएगा, कैपिटल लेटर में लिखा जाता है, अपर केस में लिखा जाएगा। अगर लोअर केस में किसी ने लिखा है तो रोमन न्यूमरल कहलाएगा वो, क्या वो रोमन न्यूमरल? अगर इंग्लिश, अगर कोई भी मान लीजिए 5 या मान लीजिए यहाँ पे 12 है, तो अगर x और i i ऐसे लिख दिया जाए तो क्या ये सही है या गलत? ये गलत होगा क्योंकि ये स्मॉल लेटर में लिखा है। सर सही है। गलत है सर, सही गलत है, आपको हमेशा कैपिटल लेटर में लिखना है तभी सही माना जाएगा। स्मॉल लेटर में लिखेंगे, एक भी लेटर अगर आपने स्मॉल में लिखा तो वो गलत हो जाएगा। सभी को समझ में आया, ध्यान रहेगा? यस सर। आपको कोई रोमन न्यूमरल लिखेंगे तो वो इंग्लिश अल्फाबेट के अपर केस में लिखेंगे, यानी कैपिटल लेटर में लिखेंगे। ओके, तो पहला रूल ध्यान रहेगा कैपिटल लेटर, पहला रूल ध्यान रहेगा कैपिटल लेटर। दूसरा रूल आप समझिए, जो रोमन न्यूमरल्स है जो आपका अप टू 1000 बताया जाएगा उसके लिए सिर्फ आप आई एक्स के पहले आप वी लिख दीजिए, ज्यादा बेटर है। आई वी एक्स एल सी डी एम, इतने रोमन न्यूमरल आपको लर्न करने पड़ेंगे, इतने रोमन न्यूमरल आपको लर्न करने पड़ेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। ये 7 इंग्लिश अल्फाबेट ऐसा है, इसी 7 इंग्लिश अल्फाबेट से आप 3000 तक, 3900 आप ये मान के चलिए 1000 तक ही आपको बताया जाएगा, तो 1000 तक आप रोमन न्यूमरल आप इन्हीं 7 लेटर का यूज करते हुए आप बना सकते हैं। तो ये सभी का ध्यान रहेगा। अब सारे इंग्लिश, ये सारे पता भी है, ये सारे जो लेटर दिए हैं इसकी अलग अलग वैल्यू है, इसकी वैल्यू मैं बता दे रहा हूं आप सभी को। आई की वैल्यू कितनी है 1, बी की वैल्यू कितनी है 1, बी की वैल्यू 5। बोलो, पहले ध्यान से सभी लोग सुन लें, अभी जब मैं पूछूंगा तब बताना, अभी सारे बच्चों को बताने दीजिए। एक्स की वैल्यू होती है 10, एल की वैल्यू होती है 100, बीच में नहीं बोलना है, मैंने कई बार कहा, डी की वैल्यू होता है 500 और एम की वैल्यू होती है 1000। खुशी बीच में नहीं बोलना है, अभी समझा रहे हैं, ध्यान से समझिए। आई की वैल्यू 1, वी की वैल्यू 5, एक्स की वैल्यू 10, एल की वैल्यू 50, सी की वैल्यू 100, टी की वैल्यू 500, एम की वैल्यू 1000। ये आपको बेटा मेमोराइज करना है, ये आपको लर्न करना है, ध्यान रखना है, और ध्यान दीजिएगा। आई बी एक्स एल सी डी, एल सी डी टीवी तो सबके घर पे होगा ना? यस सर। एलसीडी बात अलग है, एलईडी बात आ गया, लेकिन एलसीडी, तो ये एलसीडी ध्यान रहेगा ना, एलसीडीएम। अब डीएम, डीएम अब इसको ध्यान रखने का, आई मीन्स 1, आई वी एक्स आप सभी को लर्न होगा, इसके पहले वाली क्लास में आपको आपने पढ़ा होगा। अब यहाँ से बच्चे भूलते हैं यहाँ से 50 से, तो आप इसको ध्यान रखिए, एक्स के बाद एलसीडीएम, 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 ठीक है? तो आई वी एक्स एलसीडीएम, आई वी एक्स एलसीडीएम, ध्यान रहेगा ऐसे।
यस सर। अब yes, आपका आपको पता है वन के बाद फाइव, वन के बाद टेन, टेन के बाद हंड्रेड और ये 1000। जो ये वी एल डी है ना, 550, 500, तो जो बी एल डी है यहाँ पे ध्यान देने की बातें हैं बेटा, ये बी एल और डी, ये तीन ऐसे कैपिटल लेटर, ऐसे रोमन न्यूमरल वाले अल्फाबेट हैं जो किसी भी नंबर से माइनस नहीं किए जा सकते। फिलहाल अभी मैं जब सब्ट्रैक्शन बताऊंगा तब बताऊंगा कैसे नंबर फॉर्म होता है। फिलहाल ये दोनों रूल आप सभी को ध्यान रहेगा, पहला तो इंग्लिश अल्फाबेट लेटर में होना चाहिए, दूसरा ये सेवन लेटर ऐसे हैं जिसकी वैल्यू आप सभी को ध्यान रखना है। ये ध्यान रहेगा इतना? यस सर। यस सर। अब तीसरे yes, अब तीसरे रूल पे आते हैं, तीसरे रूल पे आते हैं। yes. जो तीसरा रूल है, कोई भी लेटर, एनी ऑफ द रोमन अल्फाबेट कैन बी रिपीटेड बेटा। ये थोड़ा सा इंग्लिश में लिख दिया है, कुछ ज्यादा ही आप लोग के लिए है। आप लोग के समझने की जरूरत यह है कि एनी ऑफ द रोमन अल्फाबेट, जो ये रोमन अल्फाबेट, ये सेवन मैंने बताया ना कि रोमन न्यूमेरल के लिए जो अल्फाबेट यूज होते हैं उन्हीं को रोमन अल्फाबेट मैंने बोल दिया है, कैन बी रिपीटेड, वो सिर्फ रिपीट हो सकते हैं मैक्सिमम थ्री टाइम्स, यानी तीन बार से ज्यादा रिपीट नहीं होंगे। कहने का मतलब ये है अगर कोई रोमन न्यूमेरल एक्स है तो ये थ्री टाइम्स लगातार आ सकते हैं, कोई भी अल्फाबेट मतलब बी एल डी को छोड़ के, बी एल डी को छोड़, ध्यान देने की बात है। इंग्लिश अल्फाबेट के ये आई चाहे हो, चाहे एक्स हो, चाहे सी हो, चाहे एम हो, बी एल डी को छोड़ के जो BLD को छोड़ के जो बाकी रोमन अल्फाबेट है वो मैक्सिमम थ्री टाइम्स ऐसे लिखे जा सकते हैं। आप लिखने के लिए तीन बार सी लिख सकते हैं, दो बार सी लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप फोर टाइम्स अगर लिखते हैं तो ये गलत हो जाएगा, समझ में आया? ध्यान देने की बातें हैं कि आप क्या ये सही है, वी दो बार लिख दिया गया, क्या ये सही है? गलत है। नो सर। क्योंकि मैंने बताया बी एल डी, वी एल डी कभी भी रिपीट नहीं होगा, वो किसी भी रोमन न्यूमरल में सिर्फ एक बार आएगा। ओके मतलब इट कैन नॉट बी रिपीटेड, ये एक से ज्यादा बार आ सकता है उस पर्टिकुलर रोमन न्यूमरल में, लेकिन लगातार रिपीट नहीं होगा, ये ध्यान रखना है। ओके इतना समझ में आया बेटा? यस सर। अब आपको जब रिपीट होगा तब आपको क्या करना है? अब आपको मैंने x की वैल्यू आप सभी को बताया, x की वैल्यू कितना बताया था? What is the value of x? इसका भी 10। तो 10, 10, 10 ये तीनों मिलकर के कितने हो जाएंगे? 30। तो ये कितना लिखा है? 30। बिल्कुल सही, इसी तरह जरा बताइए एक सी की, एक ये सी का वैल्यू क्या होता है? सी का वैल्यू क्या बताया गया था? 100। इसका भी 100, इसका भी 100। तो ये तीनों सी का मींस क्या हुआ? तीनों सी का मतलब कितना लिखा? 300। बताइए ये कितना लिखा है? 300। ये कितना लिखा है? डबल सी। कितना? डबल सी। कौन सा नंबर? 200। 200 सर। 200। 200। 200। ठीक है।
सड़िया कौन बात कर रहा है, कौन बात कर रहा है? यहाँ पे मैंने लिख दिया एक्सेप्ट वीएलडी, वीएलडी को छोड़ के एनी रोमन अल्फाबेट कैन बी रिपीटेड मैक्सिमम थ्री टाइम्स, ये रूल नंबर थ्री है। पहला रूल आप सबको बताया था कि सारे कोई भी रोमन अल्फाबेट है वो कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा। जो दूसरा रूल मैंने बताया था, अलग अलग इंग्लिश अल्फाबेट जो यूज किए जाते हैं रोमन न्यूमरल के लिए उसके सभी के वैल्यू बताया था, ये ध्यान रहेगा सभी को। तीसरा जो मैंने बताया बीएलडी, किसको छोड़ के बीएलडी, ये 550 और 500 वाला रिपीट नहीं होगा, एक्सेप्ट बीएलडी, बीएलडी को छोड़ के कोई भी अल्फाबेट आपका मैक्सिमम थ्री टाइम्स रिपीट किया जा सकता है, ठीक है? ये ध्यान दें, बेटा क्या आपकी बुक में नहीं है कोई और, कभी और नहीं पढ़ाया जाएगा, इस वजह से आपको बहुत ध्यान से समझना है। जो इधर उधर देख रहे हैं उनका खुद का नुकसान है, क्योंकि ये बिना बुक के पढ़ाया जा रहा है और इस तरीके से कभी नहीं पढ़ाया जाएगा। आप तीनों रूल हो गए और आपके बुक में ना केवल 100 तक है, 100 तक, उससे ज्यादा नहीं है, लेकिन अगर आप इस तरह पढ़ेंगे ध्यान से तो आपको 1000 तक लिखना आ जाएगा। अब इसमें रूल नंबर फोर, रूल नंबर फोर जो है, अब आपको ये पता है आई बी एक्स एल सी डी एम में से सबसे बड़ा वैल्यू वाला कौन सा अल्फाबेट है या सबसे छोटा वैल्यू वाला कौन सा अल्फाबेट है, ये तो पता है ना, आई बड़ा वैल्यू वाला अल्फाबेट yes, एक्स आई ज्यादा है कि एक्स ज्यादा है, सी ज्यादा है या एल, सी ज्यादा है या एल, आप ध्यान से सुन, आप केवल दो रूल और बता दूंगा इसी में आपका पूरा रोमन न्यूमरल खत्म हो गया, दो रूल और बताऊंगा। अब आपको ये तो पता है कि कौन सा कम है कौन सा ज्यादा वाला अल्फाबेट है, अब इतना ध्यान देंगे जब कभी भी रोमन अल्फाबेट है, जो रोमन अल्फाबेट है इसको ऐसे ना लिख करके ऐसे लिख, इफ मीन्स अगर, इफ रोमन अल्फाबेट्स आर इंक्रीजिंग ऑर्डर, यहाँ से आवाज आ रही है इतना ज्यादा, मुझे बच्चे का नाम बताइए, उसका फोटो दिख रहा होगा, मैं बाहर करूँ उसको, खुशी, खुशहाल, खुशहाल अपना माइक बंद कर, इफ रोमन अल्फाबेट आर इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, If Roman alphabets are in increasing order, अगर वो increasing order में है यानी बढ़ते हुए क्रम में है, then we need to minus the biggest value, the we need to minus the smaller value from the bigger one. बेटा फिर यहां पे थोड़ा सा ज्यादा ही इंग्लिश हो गया, लेकिन आप लोग को समझना जरूरी है। इफ अगर रोमन अल्फाबेट, रोमन अल्फाबेट जो है आर इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, जो रोमन अल्फाबेट है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में कैसे हो सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे लिखा है यहाँ पे लिखा है आई और यहाँ पे लिखा है फिर बी, अब आई का मतलब वन, बी का मतलब फाइव,
इसका मतलब वन है फिर फाइव है, यानी छोटे से बड़ा है, यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर में है या नहीं? ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, इसी तरीके से यहाँ पे हो सकता है आई, फिर हो सकता है एक्स। अब देखो यहाँ पे आई का मतलब वन, एक्स मतलब टेन, यानी पहले छोटा है फिर बड़ा है, फिर ये भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। इसी तरीके से हो सकता है एक्स एल, आपको पता है एक्स जो है वो टेन है, एल मतलब फिफ्टी, यानी टेन और फिफ्टी यानी छोटा फिर बड़ा, यानी ये भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो जब भी आपको कोई भी अल्फाबेट, दो अल्फाबेट इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिखे, जब आपको दो अल्फाबेट इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिखे, तो छोटा वाला जो है वो बड़े वाले में से कम कर दिया जाता है, माइनस कर दिया जाता है। तो छोटा वाला यानी यहाँ पे वन है, ये फाइव है, तो वन जो है वो फाइव में से कम कर दिया जाएगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे कितना आएगा, वन और ये फाइव है, तो इसमें से इसको माइनस करिए, छोटे वाले को इसमें से माइनस करिए, कितना आएगा, वही आपका इन दोनों का मतलब होगा। तो जरा बताइए इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा, फोर। ये फाइव है, ये वन है, तो फाइव में से वन माइनस होगा, क्या आएगा, फोर। इतना समझ में आया सभी को? फोर। अभी लिखने की जरूरत नहीं है, मैं इसका फोटो भेज दूंगा, लिखने की जरूरत नहीं है, आप फिलहाल केवल समझिए। इसी तरह ये x मतलब 10, l मतलब 50, मैंने कहा कम वाला जो है ज्यादा में से माइनस कर दो, तो इसको जो है इसमें माइनस करोगे, तो इसमें इसको जब कम करोगे इसमें से तो कितना आएगा बताइए, इसमें से जब इसको कम करोगे तो कितना आएगा, 40। हाँ, सर 40। सो रहे हैं क्या, बाकी बच्चे पढ़ नहीं रहे, कहीं और ध्यान है उनका, छापने में बिजी है। 40 में से जब कम करना है तो क्या होगा, 40, जो 40 है। बेटा आप छापते रह जाएंगे, पहले ध्यान से सुनिए, जब पूछा जाए बताइए। इसी तरह x में से i कम करिए, क्योंकि ये छोटा है, छोटा पहले आया बड़ा याद नहीं आया, तो x में से जब i कम करेंगे तो ये कितना कितना हो जाएगा, x मतलब 10, नाइन क्या होगा, नाइन। अगर रोमन अल्फाबेट इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो जो इफ रोमन अल्फाबेट आर इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, देन तब क्या होगा, वी नीड टू माइनस, हमें माइनस करना है किसको, द स्मॉलर वैल्यू, जो स्मॉलर वैल्यू को फ्रॉम द बिगर वन, जो बड़ा वाला है उसमें से आपको माइनस करना है। ये ध्यान रहेगा सभी को? लास्ट रूल, लास्ट लास्ट लास्ट, आप समझ लीजिए लास्ट। लास्ट जो है, अगर यही इसी का उल्टा, उफ, इफ रोमन अल्फाबेट्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, देन value of, then the value of each alphabet should be added। ध्यान देने की बातें हैं बेटा, यहां पे फिर लिखा है if roman alphabet in decreasing order, अगर कोई roman अल्फाबेट है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो तो क्या होगा, जैसे कि ये एक्स है फिर इधर आपका आई है, तो ये आपका टेन है, ये वन है, यानी ये कम हो रहा है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो इसका मतलब क्या, इन दोनों की वैल्यू को आप जोड़ लीजिए, एक्स मतलब टेन, आई मतलब वन, तो टेन और वन क्या हो जाएगा, इलेवन। सर इलेवन ये किसको शो कर रहा है, इलेवन को। इसी तरह L I I ये किसको शो कर रहा है, L किसको शो कर रहा है, सर 52। ये 50 और 1 और 1 50 1 1 2 हो जाएगा, ये 52
जरा मुझे 52. एक और बताइए, सी सी आई आई ये कितना लिखा है? सी मतलब 100, सी मतलब 100, ये हो गया 200, आई आई टू 202. सर ये ध्यान रहेगा कैसे कैसे करना है? यस सर, यस सर, यस सर. एक और कुछ एग्जांपल लिख देते हैं. इफ लेट्स से कि एक्स आई आई आई, यहाँ पे आपको पता है इसकी वैल्यू आपका 10 है, इसका इसकी वैल्यू कितना है? 13. 3 है सर. 13 सर. 13 10 और 3 क्या हो जाएगा? 103 है. x मैंने क्या बोला है, इन दोनों को जोड़ना है. प्लेस, आप प्लेस वैल्यू नहीं निकाल रहे हैं, बेकस नहीं है ये. x का मतलब 10 और इसका मतलब 3. तो 10 और 3 ये देखो डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, x के बाद कम वाला आ रहा है, 10 के बाद 3 आ रहा है. तो इसका मतलब दोनों को ऐड किया जाना चाहिए रोमन न्यूमरल के लिए. तो x और x ट्रिपल i मींस क्या होगा? 13. समझ में आया सभी को? 13. यस सर. यस. एक और एग्जांपल. यस सर. यस सर. e i i अभी मतलब आपका होता है क्या? 5. और ये डबल आई का मतलब क्या होता है? 2. ये होता है ना, तो 5 and 2 ये टोटल किस, ये टोटल क्या क्या बन जाएगा इसका, इसका मतलब 7. 52. सभी को ध्यान रहेगा ये इस तरीके से ना? यस सर. जल्दी से मुझे ये बताइए, वी यस सर. यस सर. यस सर. ये कितना लिखा है जरा मुझे बताइए, देखता हूँ कोई पकड़ पाता है कि नहीं. 311. मुझे पता था कई सारे बच्चे बोलेंगे 311. रॉन्ग है, कुछ भी नहीं बनेगा. क्यों नहीं बनेगा? यहाँ पे मैंने आप सभी को समझाया था रूल नंबर 3, BLD कभी भी रिपीट नहीं होगा, लगातार दो बार नहीं आएगा. ये लगातार दो बार आ गया ना, तो ये तो गलत है, रोमन न्यूमरल है ही नहीं. समझ में आया? यस सर. यस सर. ध्यान रहेगा ना, तो yes, sir. ना एल आ सकता है, यहाँ पे लिखा है मैंने BLD. BLD रिपीट नहीं होता, ना ही किसी नंबर में से माइनस होता है. ये ध्यान रहेगा सभी को? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब इससे आपको नोट लिखना है, नोट आपको आपके लैंग्वेज में लिख दे रहा हूँ, नोट. इसको जो ध्यान रखना है आपको, BLD cannot be repeated. See the cannot be. Cannot be repeated. BLD repeat नहीं होगा. दूसरा एक और नोट है. नोट 2 है या नोट 1 है? इसके यहां से आवाज आ रही है. 3 minutes is remaining. एक और नोट है, BLD ना ही repeat होगा, ना ही BLD. Cannot be subtracted. From other. BLD cannot be subtracted. यानी BLD आपको माइनस भी नहीं किया जा सकता, BLD रिपीट भी नहीं हो सकता. मीन्स इसके इसके लिए अगर हम आपको एग्जाम्पल दे, इसके लिए अगर एग्जाम्पल दे तो क्या होगा? अगर मैं आपसे पूछूं कि BX means क्या हुआ, तो आप कहेंगे B मतलब 5, X मतलब 10, यानी 5 से 10, यानी ये आपका पहले कम आ रहा है बाद में ज्यादा आ रहा है.
ऐसे में इंक्रीजिंग ऑर्डर है। इंक्रीजिंग ऑर्डर में मैंने क्या कहा था, कम वाला छोटे बड़े में से माइनस किया जाता है, तो क्या ये माइनस होगा, इसका कितना आंसर आएगा? सर 55। रॉन्ग है, एक बच्चा गलत बोल रहा है, उसी का सुन करके तीन बच्चे और 55। अरे क्या है, सुन नहीं रहे हैं आप लोग? ये 55 किस बोल रहे हैं, मुझे तो यही नहीं समझ में आ रहा है। चलो वो जो कितने बच्चों को समझ में आ रहा है जरा वो हैंड रेज करें, हैंड रेज करें, कितने बच्चों को समझ में आ रहा है जो मैं बता रहा हूँ? वेदांत राम बताइए, वेदांत सर 50। ये कितना लिखा है? 5 मिनट में कॉल करते हैं दीदी। ये 15 भी नहीं है, ये कम और ये ज्यादा है। और आपको पता है x में से कम वाले को माइनस किया जाता है, तो 10 में से 5 माइनस करेंगे 5 आएगा, लेकिन ये गलत है। यही तो यहाँ पे लिखा है VLD कम ही नहीं होगा, माइनस ही नहीं होगा। तो कभी भी VLD माइनस नहीं किया जाता, वो रोमन नंबर है ही नहीं, ये गलत है। ठीक है? यस सर। हाँ, रोमन नंबर गलत है। मैं आपको 1 मिनट में कॉल कर रहा हूँ। तो ये चार, ये इतनी सारी चीजें आप सभी को ध्यान रखना है। तो BLD कभी भी ना तो रिपीट होगा ना ही माइनस होगा, इतने सारे रूल्स बताए गए हैं। मैं इसका आपको ये पूरे बोर्ड का अभी आपको पिक्स मैं आपको भेज दे रहा हूँ, शेयर कर दे रहा हूँ आपके व्हाट्सएप ग्रुप में। जो जो मैंने लिखा है सेम ऐसे ही पूरा पेज चला जाएगा आपके पास, इसमें से देख करके आप अपने कॉपी में बढ़िया से लिख लेना, ऐसे ही नोट्स बना लेना, ठीक है? और इसको पढ़ कर कल वाली क्लास में, कल नहीं, डे आफ्टर टुमारो,